खूबसूरती मैं अपने कैमरे में कैप्चर कर सकूं। नीचे खड़ी लेट्स टेक अ सेल्फी ऑफ मी मंदिर का दूसरा साइड है। Thank you.
अरे छोड़ भाई बात है, होली झांकी यहाँ पे कुल्हार गुलाल रंग वगैरह सब कुछ है। यहाँ पे राधा कृष्ण झूले पे बैठे हुए हैं, मे बी कैमरे में कैप्चर नहीं हो रहा होगा। Pretty, isn't it? मैंने देखी है। ये मंदिर के चारों तरफ इस तरह की झांकियां बनी हुई हैं। अभी डे टाइम है तो लाइट वगैरह ऑन नहीं है, जब लाइट वगैरह ऑन हो जाती है नाइट में तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ का व्यू। अगर पॉसिबल होगा तो मैं नाइट शूट का भी अगर दिखाऊंगी आपको। छोटे से गाना कितने प्यारे लग रहे हैं। अंदर कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है, तो सिर्फ बाहर का व्यू है हर जगह। यहाँ पे कान्हा जी की लीला लगी हुई है, लीला लीला की पोर्ट्रेट। Thank you.
देखिए कान्हा जी की लीला लगी हुई है। प्रेम मंदिर श्री जगत गुरु कृपालु जी महाराज ने बनवाया है और लगभग इसको बनने में 11 से 12 वर्ष लगे हैं। तो ये बैक साइड है मंदिर का। नाइट में जब लाइटनिंग ऑन हो जाती है तो बहुत प्यारा लगता है मंदिर का व्यू। बहुत बारीक पत्थरों पे नक्काशी की हुई है। हर जगह यहाँ पर लीला का चित्रण है महाराज कान्हा की लीला का। यशोदा मैया ने कान्हा जी के साथ यहाँ वापस हम फ्रंट पे आ गए हैं। ये था पूरा मंदिर चारों तरफ से बाहर से। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग?
फाइनली मैं इस तरह से वीडियो के थ्रू इंटरेक्ट कर रही हूँ बहुत टाइम बाद. अभी कुछ टाइम से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी, कुछ शूट नहीं कर पा रही थी किसी रीजन की वजह से, बट अभी ट्राई करूंगी कि मैं हर वीक आपके लिए न्यू वीडियोज लेकर आ सकूँ. सो ये थी हमारी लाइफ कोरोना वायरस के पहले की, कि हम कोरोना वायरस के पहले कितना इजीली घूम सकते थे, एक्सप्लोर कर सकते थे बिना किसी डर के. अभी तो बाहर जाने में भी डर लगता है घर से. एंड ये प्रेम मंदिर दर्शन ब्लॉग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा. और ऑब्वियसली ये ब्लॉग अभी का नहीं है, ये हमारे हम लोग मार्च में होली के टाइम पे वृंदावन गए हुए थे तब का ये ब्लॉग है. मेरे होली ब्लॉग जिसने भी देखे हैं उनको पता होगा कि 10 मार्च तक मैंने ब्लॉग शेयर किए थे, उसके बाद 11 और 12 मार्च का बिकॉज ऑफ सम रीजन मैं शेयर नहीं कर पाई थी. एंड 12 मार्च का ब्लॉग बहुत स्पेशल है कुछ लोगों के लिए, बिकॉज बट आई एम सो सॉरी वो लोग शायद वेट भी कर रहे होंगे बट मैं अपलोड नहीं कर पाई. बट इसके बाद नेक्स्ट वही ब्लॉग आने वाला है 12 मार्च का. प्रेम मंदिर मैंने अपने लास्ट होली ब्लॉग में टेक्स्ट भी दिया था लास्ट में कि विल कंटिन्यू नेक्स्ट ब्लॉग, बट नहीं कर पाई थी, सो सॉरी फॉर दैट. बट ये जो प्रेम मंदिर दर्शन ब्लॉग है इसमें मैंने कोशिश की है कि प्रेम मंदिर की थोड़ी सी खूबसूरती मैं अपने कैमरे में कैप्चर कर सकूं, आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं. बट जो लोग भी प्रेम मंदिर नहीं गए हैं ना, जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है, वो ये वीडियो देख रहे हैं, सो आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू कि आप लोग अपनी लाइफ में एक बार तो प्रेम मंदिर जरूर जरूर जाना. कहीं जाओ मत जाओ, जब सब कुछ ठीक हो जाए कभी मौका मिले तो कहीं मत जाना, बट लाइफ में एक बार प्रेम मंदिर जरूर चले जाना. अगर आप एक कभी प्रेम मंदिर नहीं गए ना या आपने प्रेम मंदिर नहीं देखा ना, तो आप बहुत मतलब कुछ मिस कर दोगे अपनी लाइफ में. आपका लाइफ में एक चीज आपकी जिंदगी क्या बोलू मैं, प्रेम मंदिर की खूबसूरती को आप कैमरे में कैप्चर नहीं कर सकते, आप शब्दों में बयां नहीं कर सकते. अंदर ले कैमरा ले जाना वहाँ अलाउड नहीं है, प्रेम मंदिर के अंदर कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है जहाँ पे कान्हा जी की मूर्त है. ये जो था ब्लॉग वो बाहर ही बाहर का था, जो झांकियाँ हैं कैंपस में जो प्रेम मंदिर के बाहर जो पोर्ट्रेट में लीलाएं दिखाई हुई है कान्हा जी की वो सब इसमें है. बट आप अगर अंदर कैमरा हम ले भी जाते ना, हम कैप्चर भी करने की कोशिश करते तो हम 1% भी कैप्चर नहीं कर सकते उसकी खूबसूरती को कैमरे में अपने. सो आपकी लाइफ वेस्ट हो जाएगी अगर आपने प्रेम मंदिर नहीं देखा तो. इट्स लाइक दैट मेरा तो वहां से आने का मन नहीं हो रहा था. आई कांट टेल इट, मैं बयान नहीं कर सकती उसकी खूबसूरती को प्रेम मंदिर की अपने शब्दों में. और ये जो मेरी वृंदावन की ट्रिप है ना, इट्स अनफॉरगेटेबल ट्रिप, क्या बोलूँ मैं, मेरी लाइफ की बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा इस ट्रिप में. वृंदावन की होली, प्रेम मंदिर, मैं सेकेंड टाइम गई थी प्रेम मंदिर तो मैं, तो इस टाइम मैं बहुत ज्यादा टाइम के लिए रुकी थी, तो ये जो एक्सपीरियंस था ना, कांट टेल यू, मैं शब्द में उसको मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकती. एंड आई रियली मिस माय ट्रिप दोस डेज. अभी ये टाइम भी ठीक है, हम लोग एंजॉय कर रहे हैं अपनी फ्रेंड्स फैमिली सब लोग, सॉरी अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं हम लोग. सो ये भी अनफॉरगेटेबल मेमोरीज हमारी बन रही है इस टाइम पे. बट होप कि सबको जल्दी ठीक हो जाए, सब अच्छे से रहें, खुश रहें अपने अपने घर में और सब ठीक रहें. सो अपने अपने घर में रहिए, ठीक रहिए, खुश रहिए और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करिए. और मेरा जो छोटा सा मैंने ये कोशिश की है प्रेम मंदिर का, ये आप मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा. आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, मुझे टॉपिक बताइए कि मैं किस टॉपिक पर वीडियो अपलोड करूँ आप नेक्स्ट, और कोशिश करूँगी कि कंटिन्यू वीडियो अपलोड कर सकूँ. एंड अगर वो ब्लॉग नहीं देखे हैं होली के तो वो देख सकते हो, आप में है मेरी होली प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे. सो सी इन माय नेक्स्ट ब्लॉग, आज के वीडियो भी बस इतना ही. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर.